देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। बताओ फिर ये जुल्म नहीं तो क्या है मोदी जी, क्या जुल्म हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि शर्ट देखकर, और अमित शाह कहती है कि इतना जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंच जाए। अमित शाह साहब, जब दबाने की बात आई तो सुन लो, आप कुछ भी दबा सकते हो मगर हम दबने वाले नहीं है। हम जिंदा रहेंगे, यहीं रहेंगे, मरेंगे इसी सरजमीन में जाएंगे। भारत के कब्रस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, जहां पर हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं। और आज भी अगर अल्लाह उन खबरों को आवाज जबान देगा और हमको सुनने की ताकत देगा, तो भारत के कब्रस्तानों से तुमको आवाज आ रही है कि मेरे जानशीनों, कभी ने इस जंग से मुंह नहीं मोड़ना। ये तुम्हारी बका की लड़ाई है, ये तुम्हारी शनाख्त की लड़ाई है, ये इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तुम पीठ नहीं दिखाना। अरे अगर हम इस दुनिया में आए हैं अमित शाह साहब, एक ही बार जिंदा रहते हम बार बार पलट के नहीं आते। एक ही बार जब आए हैं, जिंदगी है। अगर मौत लिखी है तुम्हारी गोली पर, तो तुम्हारी गोली की वजह से मेरी मौत नहीं होगी। मेरी मौत होगी तो अल्लाह के हुक्म से होगी, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और दूसरी बात जिसका जिक्र वारिस ने किया कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर? तुम, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है, मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदों की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में है कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं, मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अफ़सोस नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं, तो माँ और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी, आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं, और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा, और जालिम खत्म होगा। मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है, वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हिटलर के जमाने में एक फाइनेंस मिनिस्टर था वाल्टर फिंच, लग रहा था कि वाल्टर फिंच बोल रहा है। अंदाजा लगाइए कि देश के गद्दारों को गोली मारेंगे, अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं है।